फिजिकल एज यानी हमारी रियल एज जो हर साल चेंज होती रहती है, उसके बारे में तो सभी को पता होता है और कुछ लोगों को देखकर उनकी फिजिकल एज का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है आपकी एक मेंटल एज भी होती है जो काफ़ी टाइम बाद बदलती है या फिर कभी नहीं बदलती। मेंटल एज इस बात को शो करती है कि आप मेंटली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली किस एज ग्रुप में आते हो। ये ज़रूरी नहीं होता कि हमारी मेंटल एज और हमारी फिजिकल एज सेम हो। सपोज़ आपकी एज 20 साल है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी मेंटल एज भी 20 साल ही हो सकता है आपकी मेंटल एज 14-15 साल हो, या ये भी हो सकता है कि आपकी मेंटल एज 30 या 40 साल हो। आपने अपने आसपास देखा भी होगा कुछ एडल्ट जिनकी मेंटल एज बच्चों जैसी होती है, और कुछ बच्चे जो अपनी एज से ज़्यादा सोच लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा सिंसेयर होते हैं। अपनी मेंटल एज पता होना सेल्फ अवेयर होने का एक साइन है। अगर आप भी अपनी मेंटल एज जानना चाहते हैं तो पेपर पेन लेकर रेडी हो जाइए क्विज के लिए। तो चलिए अब ये क्विज शुरू कर देते हैं, वरना नीचे कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे कि टेस्ट स्टार्ट फ्रॉम 2 मिनट 1 सेकेंड, थैंक्स मी लेटर वगैरह वगैरह। सिंपल क्विज है, 10 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएंगे जिसके 3 ऑप्शंस ए बी सी आपको दिए जाएंगे। आपको सोच समझकर खुद को सिचुएशन में रखकर कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कोई गलती हो जाने पर आप यूजुअली क्या करते हो? ऑप्शन ए, अपनी गलती मानकर उसे ठीक करने की कोशिश। ऑप्शन बी, जानने की कोशिश करते हैं कि ये गलती क्यों हुई। ऑप्शन सी, गलती के बारे में सोचकर हंसते हैं और फिर किसी की मदद से काम करते हैं जिससे वो गलती रिपीट ना हो। क्वेश्चन नंबर 9, जब कोई फ्रेंड आपके वेकेशन प्लान को लास्ट मिनट पर कैंसिल कर देता है तब आप क्या करते हो? ऑप्शन ए, उसे बोलोगे कोई बात नहीं होता है और अपना टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ और काम करोगे। ऑप्शन बी, इस प्लान के बारे में सोचकर बुरा फील करते रहोगे। या ऑप्शन सी, किसी दूसरे दिन का प्लान बनाकर उसके साथ एंजॉय करने के बारे में सोचोगे। क्वेश्चन नंबर 8, आपका कोई दोस्त आपसे नाराज हो तो आप नॉर्मली कैसे रिएक्ट करोगे? ऑप्शन ए, उन्हें थोड़ा फ्री टाइम, थोड़ा स्पेस दोगे, उसके बाद अपनी बात उनसे शेयर करोगे या फिर उनसे बात करने की कोशिश करोगे। ऑप्शन बी, उसी वक्त सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश करना शुरू कर दोगे। या ऑप्शन सी, उन्हें तब तक जोक सुनाओगे जब तक सब नॉर्मल ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7, अगर आप किसी कॉन्टेस्ट में बहुत सारे पैसे जीत जाते हो तो सबसे पहले क्या करोगे? ऑप्शन ए, जो भी आपकी बेसिक जरूरत है उन्हें पूरा करके बाकी के सारे पैसे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दोगे। ऑप्शन बी, वेकेशंस पे जाओगे, सारे ड्रीम प्लेस विजिट करोगे। या ऑप्शन सी, जो भी एक्सपेंसिव गैजेट या एसेसरीज आप खरीदना चाहते थे वो सब खरीदोगे। क्वेश्चन नंबर 6, आपको 2 इक्वल अपॉर्चुनिटीज में से किसी एक को चूज करना हो तो आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में सोचेंगे जिससे आप एक फैक्ट बेस्ड डिसीजन ले पाओ। ऑप्शन बी, दोनों ऑप्शन की अच्छाई बुराई देखोगे, जो ज़्यादा अच्छा है उसको चूज करोगे। या ऑप्शन सी, किसी दूसरे से सजेशन लोगे और जो वो कहेगा वही सेलेक्ट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5, स्कूल या ऑफिस में आपके डिसीजन से डिसएग्री होने पर आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, आराम से डिस्कस करोगे और जहां कंप्रोमाइज करना होगा वहां कर लोगे। ऑप्शन बी, किसी सीनियर या टीचर से एडवाइस लोगे। या ऑप्शन सी, अपनी बात पर अड़े रहोगे और दूसरी साइड नहीं देखना चाहोगे। क्वेश्चन नंबर 4, आपका कोई जरूरी काम जो कल के लिए ड्यू है, याद आने पर क्या करोगे? ऑप्शन ए, उसी टाइम करने बैठ जाओगे जिससे आप बाद में रिलैक्स रह सको। ऑप्शन बी, पहले आराम करोगे और आराम करने के बाद काम करना शुरू करोगे। या ऑप्शन सी, पहले थोड़ा काम, फिर थोड़ा आराम और फिर थोड़ा काम। क्वेश्चन नंबर 3, किसी एक जिम्मेदारी को हमेशा के लिए खत्म करना हो तो आप किसे खत्म करना चाहोगे? ऑप्शन ए, पेइंग बिल्स। ऑप्शन बी, डूइंग लॉन्ड्री। ऑप्शन सी, पिकिंग अप आफ्टर योरसेल्फ।
क्वेश्चन नंबर टू, जब कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देता है तब आप यूजुअली कैसे रिएक्ट करते हो? ऑप्शन ए, कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करके उन्हें भी रिटर्न में एक कॉम्प्लीमेंट देते हो। ऑप्शन बी, कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करके थैंक्स बोल देते हो। या ऑप्शन सी, कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट नहीं करते ये बोलते हुए कि आप इसे डिजर्व नहीं करते। क्वेश्चन नंबर वन, वेकेशंस में कहाँ जाना पसंद करते हो? ऑप्शन ए म्यूजियम, ऑप्शन बी अम्यूजमेंट पार्क विद फैमिली, या ऑप्शन सी बीच विद फ्रेंड्स। सो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। गेट रेडी फॉर रिजल्ट्स। आपने जो भी आंसर चूज किए हैं उसमें अगर मोस्टली ए है तो आपकी मेंटल एज 40 से 55 एज ग्रुप में होगी। आपका माइंड सेट सेल्फ एश्योर है और आप सेल्फ अवेयर हैं। आप हर बात के बारे में डीपली और मैच्योर वे में सोचते हो। और अगर आपके आंसर में मोस्टली बी ऑप्शन चूज किया है तो आपकी मेंटल एज एज ग्रुप 20 से 40 के बीच में आती है। आपको डिसीजन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है लेकिन इन द एंड आप अपने लिए सॉल्यूशन ढूंढ ही लेते हो। आपके सोचने का तरीका काफ़ी हद तक मैच्योर है और आप प्रैक्टिकली सोचने में बिलीव रखते हो। और अगर आपके ऑप्शन में सी ज़्यादा बार चूज़ किया गया तो आपकी मेंटल एज 10 से 20 एज ग्रुप के बीच में आती है। आपके डिसीजन या तो जल्दी में लिए जाते हैं या आप ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन लेते हो, इसलिए आपके मोस्टली डिसीजन मैच्योर नहीं होते। ज़्यादातर सिचुएशन में आप फ्यूचर को ध्यान में रखकर डिसीजन नहीं लेते। आपका रिजल्ट क्या रहा और आप किस एज ग्रुप के बीच में आए नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपकी मेंटल एज आपकी रियल एज से कम आई या फिर ज़्यादा ये भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। टेस्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस चैनल पर 2 और क्विज अवेलेबल हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। इस टेस्ट को अपने किसी एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नए टॉपिक एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।